हेलो स्टूडेंट्स आज हम केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर टू स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर वन में हमने आपको बनने के लिए वायलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया था और आपको हमने ये बताया था किस तरीके के सिग्मा और पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं ये मैंने लेक्चर नंबर वन में आपको बताया था इसका वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है स्टार लाइट एडोटेक में पड़ा हुआ है आप चाहें तो उसको देख सकते हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी दी गई आर्गेनिक स्पेशीज में चाहे वो मालिक्यूल हो या कैटाइन हो या आयनाइन हो सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर कैसे निकालते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है टू डिटरमिन

वो हम आपको बता रहे हैं इसी तरीके से पाई बॉन्ड निकालने का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होगा वह हम आपको बताएंगे तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन ए मालिक्यूल इस पे मालिक्यूल ले रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन मॉलिक्यूल माइनस वन माइनस वन तो ये सिग्मा और पाई सिग्मा बॉन्ड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन ए मालिक्यूल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन मालिक्यूल माइनस वन इसी तरीके से पाईबॉन्ड निकालने का भी एक फार्मूला है नंबर ऑफ नंबर ऑफ पाइबोंड्स इन ए मालिक्यूल नंबर ऑफ पाइबोंड्स इन ए मालिक्यूल जोड़ का निशान सबमिशन ये जोड़ का निशान सबमिशन z v छोटा ब्रैकेट v माइनस टू डिवाइडेड बाय टू प्लस वन ये फार्मूला है डायरेक्ट फार्मूला है बॉन्ड निकालने के लिए यह डायरेक्ट फार्मूला है बॉन्ड निकालने का ये बॉन्ड निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अब यहां जेड क्या है जेड इज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम Z जो है सिमिलर आइटम का नंबर है V क्या है इज द वैलेंसी ऑफ सिमिलर आइटम तो इन दोनों फार्मूलों का यूज करते हुए इन दोनों फार्मूलों का यूज करते हुए हम किसी भी मालिक्यूल में या किसी भी चीज़ में सिग्मा और बांड का नंबर निकाल सकते हैं अब हम सिग्मा और बांड का नंबर निकालने के लिए कुछ मालिक्यूल या एग्जाम्पल लेंगे तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मीथेन मीथेन का फॉर्मूला है CH4. अब इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे सिग्मा क्या होंगे कार्बन आइटम का नंबर चार और हाइड्रोजन का कार्बन आइटम का नंबर एक कार्बन आइटम का नंबर एक हाइड्रोजन आइटम का नंबर चार तो टोटल नंबर ऑफ आइटम मीथेन में हो गए पांच और माइनस वन तो इक्वल टू यहां सिग्मा बॉन्ड मीथेन में हो गए चार अब पाई बॉन्ड निकालने के बाद अपने पास फॉर्मूला है पाई इक्वल टू सबमिशन जेड माइनस वी जेड माइनस छोटा ब्रैकेट v माइनस uh, टू बड़ा फिर छोटा ब्रैकेट डिवाइडेड बाई टू Divided by टू plus वन yes फार्मूला पाई वन निकालने का है तो अब यहां पर यहां पर कार्बन एक है यहां पर कार्बन एक है कार्बन यहां पर एक है तो कार्बन की जगह z z की जगह ले लिया वन अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है चार कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है चार तो हमने v की जगह ये बी की जगह चार लिख दिया ठीक है माइनस टू अब दूसरा आइटम सिमिलर यहां पर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन है चार तो यहां पर हमने फिर Z की जगह चार लिखा और Z की वैलेंसी होती है वन तो B की जगह हमने वन लिख दिया और फिर माइनस टू डिवाइडेड बाई टू प्लस वन तो अब यहां पर चार में से माइनस दो गए तो प्लस के दो बचे तो प्लस के दो इंटू वन टू प्लस अब माइनस के दो में से ए प्लस का एक गया तो माइनस वन तो माइनस वन प्लस चार तो क्या हो जाएगा माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू प्लस वन अब यहां पर माइनस फोर तो ये हो जाएगा टू माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू प्लस वन तो ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन टू प्लस वन तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो मीथेन में पाई बाड जीरो हो गए सिग्मा बॉन्ड वन चार हो गए तो अब लिख सकते हैं बियर फोर इन मीथेन इन मीथेन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स नंबर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू फोर नंबर ऑफ पाई इज इक्वल टू जीरो और मीथेन की यह स्ट्रक्चर हो गई मीथेन की यह स्ट्रक्चर हो गई इसमें सिग्मा बॉन्ड एक ये ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड और ये चौथा सिग्मा बॉन्ड और यहां बॉन्ड नहीं है इसी तरीके से अब हम नंबर ऑफ सिग्मा और भी निकालेंगे ऑक्सीजन मालिक्यूल में ऑक्सीजन मालिक्यूल यानी O2. अब देखिए सिग्मा बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड दो ऑक्सीजन मालिक्यूल है ऑक्सीजन मालिक्यूल में दो ऑक्सीजन आइटम है तो टू माइनस वन इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर हो गया वन अब पाई बॉन्ड्स में हमने फेर फॉर्मूला लिखा वही Z माइनस वी टू अपॉन टू प्लस वन यहां पर Z ऑक्सीजन के दो आइटम है तो Z की जगह लिख दिया टू ऑक्सीजन की वैलेंसी दो है तो हमने V की जगह लिख दिया टू और माइनस टू डिवाइडेड बाई टू प्लस वन तो अब देखो यहां टू ये यह दो में से दो गए इंटू जीरो टू इंटू जीरो डिवाइडेड बाय टू प्लस वन तो ये क्या हो गया जीरो प्लस वन जीरो प्लस वन इक्वल टू वन तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड वन है और पाई बॉन्ड वन है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की यह स्ट्रक्चर हुई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की यह स्ट्रक्चर हुई ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया ये एक सिग्मा बांड हो गया और ये एक पाई बांड हो गया ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हो गई इसी तरीके से हम और भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई बांड्स की नंबर निकाल सकते हैं सिग्मा और पाई बांड्स निकालेंगे जैसे टेट्रा साइनोमीथेन जैसे टेट्रा साइनोमीथेन अब हमें मालूम है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बराबर होते हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन ए मॉलिक्यूल इन ए मॉलिक्यूल माइनस वन तो देखो यहां पर कार्बन के टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने एक तो ये कार्बन का टोटल नंबर आइटम है और ये चार कार्बन के टोटल नंबर तो यहां कार्बन कितने हो गए पांच कार्बन हो गए पांच कार्बन आइटम हो गए और नाइट्रोजन यहां कितने हैं चार नाइट्रोजन है ये देखिए यहां पर चार नाइट्रोजन है तो प्लस चार प्लस चार नाइट्रोजन आइटम जब चार नाइट्रोजन आइटम माइनस वन तो कितने हो गए ये पांच चार नौ आइटम हो गए माइनस वन यानी आठ तो यहां पर एट सिग्मा बॉन्ड हो गए टेट्रासाइनोमीथेन में एट सिग्मा बॉन्ड हो गए अब इसी तरीके से हम टेट्रासाइनोमीथेन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालेंगे नंबर ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था समीशन Z छोटा ब्रैकेट V माइनस टू ब्रैकेट वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन प्लस वन अब Z क्या है टोटल नंबर ऑफ सिमिलर आइटम वी क्या है सिमिलर आइटम की वैलेंसी तो अब यहां पर देखिए पहले टोटल नंबर ऑफ सिमिलर आइटम पहले टोटल नंबर ऑफ सिमिलर आइटम कितने कार्बन है, है यानी पांच है तो यहां Z की जगह हमने पांच लिख दिया जेड की जगह पांच लिख दिया अब कार्बन की वैलेंसी चार है तो यहां पर हमने कार्बन की वैलेंसी चार लिख दी माइनस टू फिर अब दूसरा सिमिलर आइटम क्या है दूसरा सिमिलर आइटम क्या है नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन कितने चार हैं. तो अब हम Z की जगह चार लिख देंगे अब हम Z की जगह चार लिख देंगे और V नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है तीन तो माइनस थ्री माइनस टू या सॉरी थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाई टू और फिर यहां पे लिख देंगे प्लस वन तो अब देखो यहाँ कितना हो गया दो में से दो गए तो ये प्लस के दो बचे चार में सॉरी चार में से दो गए माइनस के दो गए तो प्लस के दो बचे और इंटू फाइव ये हो गए दस ऊपर हो गए दस प्लस अब यहां में से माइनस के, माँणस के प्लस के तीन में माइनस दो गए तो माइनस का वन बचा माइनस का यानी सॉरी प्लस का प्लस के थ्री में से माइनस के दो गए तो प्लस का वन बचा तो हमने यहाँ लिख दिया चार डिवाइडेड बाय टू प्लस वन तो अब ये हो गया टोटल फोर्टीन बाय टू फोर्टीन बाय टू प्लस वन तो ये हो गया सात प्लस वन इज इक्वल टू आठ तो यहां पर आठ पाई बॉन्ड हो गए आठ एट पाई बॉन्ड एट बॉन्ड्स हो गए तो इन टेट्रा साइनोमिथेन इन टेट्रा साइनोमिथेन -साइनो में इन टेट्रा साइनोमिथेन एट सिग्मा एट बॉन्ड्स ये हमने इन दोनों फार्मूलों की मदद से निकाल लिया इन टेट्रा साइनोमिथेन एट सिग्मा एंड एट पाइबोन अब टेट्रासाइनोमिथेन की यह स्ट्रक्चर होगी सही स्ट्रक्चर टेट्रा साइनोमिथेन की यह होगी सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन फिर ट्रिपल बॉन्ड सी एन फिर ट्रिपल बॉन्ड सी एन ट्रिपल ट्रिपिल बॉन्ड सी एन अब अगर हम इसमें गिनना चाहें तो यहां पर एट सिग्मा बॉन्ड और एट पाई बॉन्ड है कैसे गिनेंगे इनको सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई ट्रिपल बॉन्ड एट सिग्मा दो पाई तो ये फार्मूले से हम यहां गिनेंगे तो यहां पर आठ सिग्मा बॉन्ड आएंगे और आठ पाई बॉन्ड आएंगे अब हम एक दूसरा मालिक्यूल लेते हैं टेट्रा साइनो इथिलीन टेट्रा साइनो इथिलीन का फार्मूला है C2 Cn होल फोर अब टेट्रा साइनो इथिलीन में हम सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर होता है सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ए मॉलिक्यूल माइनस वन तो यहां टोटल नंबर कार्बन आइटम के हैं छे दो देखो ये हैं दो ये हैं है, और चार ये हैं ये चार हैं तो ये हो गए छे तो यहां छह कार्बन आइटम हो गए प्लस नाइट्रोजन के कितने हैं नाइट्रोजन के ये कितने हैं नाइट्रोजन के ये चार हैं, ठीक है तो यहां चार नाइट्रोजन आइटम हो गए माइनस वन तो अपने आप हो गए दस माइनस वन तो नाइन सिग्मा बॉन्ड हो गई नाइन सिग्मा बॉन्ड हो गए अब इसके अंदर हम पाई बॉन्ड निकालेंगे तो पाई बॉन्ड का नंबर होता है Submission, z v टू डिवाइडेड बाई टू प्लस वन अब z इज सिमिलर आइटम्स और v ऑफ सिमिलर आइटम तो अब यहाँ पहले सिमिलर आइटम कौन से हैं कार्बन के हैं देखो तो यहां पे कार्बन के चार तो ये थे और दो ये थे तो छह हो गए कार्बन के आइटम तो यहां z की जगह लिख दिया सिक्स पहले कार्बन के छह सिमिलर कार्बन आइटम है और कार्बन की वैलेंसी है चार तो हमने लिख दिया है माइनस यहाँ पे लिख दिया बी की जगह लिख दिया चार माइनस टू अब दूसरा कौन सा सिमिलर आइटम है नाइट्रोजन है कितने हैं चार हैं कितने हैं चार हैं नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के चार हैं तो ये हमने जेड की जगह लिख दिया फोर नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है तीन तो माइनस थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाई टू प्लस वन अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा सॉल्व करने से यहां कितना आ जाएगा चार में से दो गए तो प्लस के दो बचे इंटू सिक्स बारह प्लस प्लस के तीन में से माइनस के दो गए तो प्लस के वन बने इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू प्लस वन ये हो गया सोलह बाई टू प्लस वन ये हो गया आठ प्लस वन यानी नाइन पाई बॉन्ड हो गए तो इन इन टेट्रा साइनो इथिलीन टेट्रा साइनो इथिलीन में नाइन सिग्मा बॉन्ड्स हैं और नाइन पाई बॉन्ड्स हैं और टेट्रा की यह स्ट्रक्चर होगी अगर टोटल सिग्मा और पाई बांड जोड़े तो इसके अंदर आएंगे नाइन सिग्मा बॉन्ड्स और नाइन पाई बॉन्ड्स आएंगे अब हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिग्मा पाई बॉन्ड्स लगाएंगे निकालेंगे जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा कार्बोसाइक्लिक रिंग होती है एक गैक्स से ज्यादा कार्बो टू डिटरमिन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स And pi bonds in aromatic compound, aromatic compound.

साइक्लिक रिंग हम ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर सिग्मा और पाई बांट्स निकालेंगे जिनके अंदर एक से ज्यादा कार्बोसाइक्लिक रिंग होती है कार्बोसाइक्लिक रिंग क्या है इज होमोसाइक्लिक रिंग मेड अप ऑफ कार्बन आइटम्स ओनली इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं अब इसलिए हम सबसे पहले ले रहे हैं बेंजीन बेंजीन का फार्मूला है सी सिक्स एच सिक्स तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल टू Total number of items in a molecule minus one plus N minus one plus N. N is the number of carbocyclic ring. In benzene. सिक्स एच सिक्स बराबर छ कार्बन के आइटम प्लस छ हाइड्रोजन आइटम छ हाइड्रोजन आइटम माइनस वन प्लस वन बिकॉज हेयर एन इज इक्वल टू वन क्यों बेंजीन हैज ओनली वन कार्बो साइक्लिक रिंग यानी ये बेंजीन के अंदर सिर्फ एक ही कार्बो रिंग है तो यहां कितना नंबर हो गया बारह बारह सिग्मा बॉन्ड्स तो बेंजीन के अंदर ट्वेल्व सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसी तरीके से पाई बॉन्ड्स के लिए समीशन समीशन जेड वी माइनस टू Divided by two plus one minus N plus one minus N where N is the number of कार्बो साइक्लिक रिंग तो अब देखो यहां पर Z की वैल्यू कितनी है छ और कार्बन की वैलेंसी कितनी है चार माइनस टू और हाइड्रोजन आइटम भी है यहां पर तो हाइड्रोजन आइटम कितने हैं छे इनकी वैलेंसी कितनी है एक माइनस टू डिवाइडेड बाय टू प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन तो इसका जोड़ा माइनस एक है हे, हेट्रोस एक हो कार्बोसाइग्रिक्रिंग है तो हमने माइनस वन लिख दिया तो अब देखो यहां पर छ में चार में से माइनस के दो गए तो प्लस के दो बचे इंटू सिक्स बारह क्यों हो गए बारह प्लस सिक्स में से ये क्या हो गया माइनस वन तो माइनस सिक्स ये माइनस वन हुआ तो माइनस सिक्स देखो ये माइनस प्लस के वन में माइनस दो गया तो, तो माइनस वन तो बचा इंटू सिक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस वन माइनस वन तो ये कितना हो गया सिक्स अपॉन टू प्लस वन माइनस वन कितने हो गए थ्री पाई बॉन् तो इन बेंजीन 12 सिग्मा बॉन्ड्स एंड थ्री पाई बॉन्ड्स और बेंजीन की यह स्ट्रक्चर होगी पाई बॉन्ड्स ट्री सॉरी ट्वेल्व ट्वेल्व एंड थ्री निकालेंगे कैसे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन नेपथेलिन टू डिटरमिन नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाइबों इन नेपथेलीन नेपथेलिन का फॉर्मूला होता है सी टेन एच एट और इसके अंदर दो कार्बोसाइक्लिक रिंग होती हैं न के अंदर दो कार्बोसाइक्लिक रिंग होती है तो यहां एन की वैल्यू हो गई टू नेपथेलिन के अंदर दो कार्बोसाइक्लिक रिंग होती हैं यहां एन की वैल्यू हो गई टू तो अब सिग्मा बॉन्ड नेपथलीन के कितने हैं कार्बन के कितने हैं टेन कार्बन के हैं टेन वैलेंसी है कार्बन के टेन और हाइड्रोजन कितना है एट प्लस एट हाइड्रोजन माइनस वन अब यहां एन की वैल्यू होगी टू यहां एन की वैल्यू होगी टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स माइनस वन प्लस नंबर ऑफ कार्बो यहां कार्बो रिंग है तो एन की जगह लिखेंगे टू तो अब ये कितना आ गया दस प्लस आठ माइनस वन प्लस टू दस आठ अठारह से था, था उन्नीस 19 सिग्मा बॉन्ड्स नेपथलीन के अंदर नाइनटीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं समीशन Z V माइनस टू डिवाइडेड बाई टू प्लस वन यहां एन की वैल्यू है टू तो अब कितना हो गया कार्बन के कितने है? दस और कार्बन की वैलेंसी है चार माइनस टू प्लस हाइड्रोजन के कितने आठ वैलेंसी है एक माइनस टू डिवाइडेड बाय टू प्लस वन माइनस टू अब देखो यह कितने हो गए च, प्लस के चार में से माइनस के दो गए तो प्लस के दो बचे दो इंटू टेन ट्वेंटी ठीक है प्लस अब प्लस के वन में से माइनस के टू गए तो माइनस के टू तो माइनस एट डिवाइडेड बाय टू फिर प्लस वन माइनस टू अब कितने बचे यहां पर बारह में से बीस में से आठ गए तो बारह बारह और आठ बीस बारह डिवाइडेड बाय टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन माइनस टू अब ये हो गया छे प्लस वन माइनस टू तो कितना हो गया फाइव ठीक है छ सात में से दो गए पांच तो सेवन फाइव पाइब तो इन एपथेलिन 19 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 5 पाई बॉन्ड्स इसलिए नेपथथलीन की स्ट्रक्चर यह होगी नैपथलीन की यह स्ट्रक्चर होगी इसके अंदर 19 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 5 पाई बॉन्ड्स तो आज हमने कॉम्प्लिकेटेड मालिक्यूल्स के अंदर भी सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का नंबर निकाला तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और ये कुछ आप समझें कि आपके वीडियो कुछ काम का है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल स्टारलाइट लाइट को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच